हेलो भाई, मैं हूँ रमन। भाई सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी है, आपको शायद से इसका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी भाई मैं बता देता हूँ। भाई ये है ह्यूंडई वरना SX पेट्रोल। भाई ये बन चुकी है आज के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स की किंग बन चुकी है ये गाड़ी। मतलब ब्लैक और व्हाइट कलर कोई भी देख लो, इतना जबरदस्त लगता है भाई। और मॉडिफिकेशन ऐसी ऐसी होती है भाई, किसी गाड़ी में नहीं हो सकती, ना ही होंडा सिटी। भाई इसकी टक्कर लेती है भाई गाड़ी की मारुति की सियाज होगी है, होंडा की सिटी होगी। भाई वो दोनों इतनी ज्यादा पसंद नहीं करते भाई, वरना हमें पता है सबको भाई स्पेस की कमी है जो भी है, लेकिन भाई से पसंद करते हैं भाई। पोलर व्हाइट कलर है, इसमें मिलता है अपने को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 113 BHP पावर, 143 Nm का टॉर्क मिलता है। गाड़ी के डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, गाड़ी का करेंगे आज आप डिटेल रिव्यू और भाई देखेंगे इसमें क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिलते हैं। भाई इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं अपने को, और भाई 165 Nm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। भाई गाड़ी कुछ इस टाइप की लुक्स आती है। अगर भाई चलो भाई वो रिव्यू स्टार्ट करते हैं और फ्रंट से बात करें तो भाई कुछ अपने को इसमें बीच में इस टाइप की भाई डार्क क्रोम ग्रिल मिल जाती है। भाई मतलब यार ये थोड़ा पिया ब्लैक फिनिश भी नहीं है, क्रोम है भाई, ये डार्क क्रोम ही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर लाइट्स की बात करें तो भाई LED लाइट्स मिल जाती है भाई, प्रोजेक्टर मिल जाते हैं इसमें, लेकिन भाई इंडिकेटर अपने को इसमें हेलोजन बल्ब भी मिलते हैं, यहाँ पर टोइंगो को मिल जाता है, और इसमें अपने को हेलोजन ही फोग लैंप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसमें कहीं कहीं भाई क्रोम की फिनिशिंग भी दे रखी है, तो भाई गाड़ी है काफ़ी अच्छी। अगर आगे बात करें भाई साइड की तरफ, भाई टायर सेक्शन भाई इस तरह है कुछ, इसके सिल्वर कलर के इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टायर सेक्शन 195/55 R16, 16 इंच का भाई इसमें अपने को अलॉय व्हील देखने मिलता है। ORVM से भाई बॉडी कलर में मिलते हैं विद LED टर्निंग इंडिकेटर्स, ये भी भाई देखो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। भाई नॉर्मल वाइपर्स मिलते हैं इसके, इसी में वॉशर वगैरह भाई अलग से मतलब दिखता नहीं है, इनका बोनट पे नहीं दे रखा है इन्होंने। और आगे भाई डोर हैंडल्स की बात करें, भाई रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, क्रोम में मिलते हैं भाई इसके डोर हैंडल्स चारों, और भाई यहाँ पर भी इसमें अपने को क्रोम की गार्निश मिल जाती है। टेल लाइट्स LED मिलती है भाई इसमें अपने को, ये देखो भाई यहाँ पर SX की बैजिंग देखने को मिल जाती है, ह्यूंडई का लोगो मिल जाता है यहाँ पर, वरना ही बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप। भाई सेडान में वाइपर वगैरह नहीं आता, यहाँ पर शार्क फिन एंटीना है, ये देखो भाई चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं भाई इसमें अपने को, और कैमरा भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भाई इसके फोग लैंप्स दे रखे हैं, डमी फोग लैंप्स है भाई। यहाँ पर एग्जॉस्ट वगैरह ये नहीं दिखाते भाई मारुति वालों की तरह, उनका तो नीचे लटकता रहता है। 45 लीटर का इसमें अपने को इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिसे आप फुल करवा के मस्त गेड़ी शेड़ी मार सकते हो। तो भाई ये देखो भाई, कमेंट करके बताओ भाई किस किस को मतलब इतनी पसंद आती है। भाई मुझे तो आज 2022 में भी इसको अगर कोई पुराना मॉडल भी दिख जाए ना भाई एक बार, मतलब मजा आ जाता है यार, इतनी मस्त लगती है। भाई अंदर देखते भाई अंदर क्या कुछ फीचर मिलते हैं। भाई मेन तो इंटीरियर रहता है इतना जो प्रीमियम है ना, जिसकी वजह से बिक रही है। भाई लॉक अनलॉक कर लेते हैं इसे सबसे पहले तो। भाई ये देखो भाई इसका इंटीरियर, ड्यूल टोन डोर मिलते हैं भाई इसमें अपने को, यहाँ पर डोर ओपनर सिल्वर फिनिश में मिल जाता है भाई, यहाँ पर ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पर इसके ORVM से कंट्रोल, चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं भाई इसमें, ये देखो भाई यहाँ पर थोड़ी लेदर फिनिश मिल जाती है सॉफ्ट टच के साथ, ऊपर सारा हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर भाई सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो भाई ये अपने को मैनुअली करने के को देख, भाई ये सेम सीट्स आप मानोगे नहीं भाई i20 में भी देखने को मिलते हैं अपने को, वो भाई मिनी वरना बोल सकते हैं। अब अंदर बैठ के देखते भाई, भाई ये देखो कुछ इस टाइप का आता है भाई इसका स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पर इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है भाई अपने को, यहाँ पर इसके हेडलैम्प लेवलर वगैरह मिल जाते हैं भाई, यहाँ पर AC वेंट्स हैं, यहाँ पर इसके भाई लाइट्स के स्टॉक मिल जाते हैं भाई ऑटोमेटिक, यहाँ पर इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स के स्टॉक्स मिल जाते हैं। इग्निशन भाई ऑन करके देख लेते हैं भाई इग्निशन में क्या कुछ। भाई इसका जो i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट लेते हैं भाई सेम सेम मिलता है इसमें, जैसे और कोई गाड़ी इनकी वेन्यू देख ले, इसमें 8000 तक RPM और भाई 240 तक इसमें स्पीड देखने को मिल जाती है। स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं मिलता भाई। अगर इस साइड बात करें भाई, यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पर स्क्रीन मिल जाती है, इसमें कार प्ले वगैरह सब कुछ भाई, या फिर इक्वलाइजर हो गया भाई, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना फ़ोन भाई सब कुछ मिल जाता है भाई इसमें, A to Z वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है भाई इसमें। यहाँ पर थोड़े बहुत कंट्रोल्स दे रखे हैं भाई मीडिया वगैरह के, इसी के इंफोटेनमेंट के, ये रहे भाई जैसे वॉल्यूम वगैरह कम करनी है या फिर FM का चैनल चेंज करना भाई, मतलब ऑन ऑफ कर लिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक AC मिल जाता है,
ये देखो भाई, ये भी मतलब काफ़ी सही है, मतलब अच्छी कूलिंग कर देता भाई बिल्कुल ये। यहाँ पर वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है भाई, इसमें अपने 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भाई 6 ट्रांसमिशन के साथ इसका गियर मिल जाता है भाई, फ्रंट में इसका रिवर्स लगता है भाई। यहाँ पर 2 कप होल्डर और मैनुअल इसमें अपने को हैंड ब्रेक देखने को मिलती है। आर्म रेस्ट मिल जाता है भाई, आर्म रेस्ट अगर ओपन करके देखें तो भाई ये देखो काफ़ी डीप स्पेस है। यहाँ पर क्लब बॉक्स भाई कूल मिलता है इसमें अपने को, तो पानी की बोतल वगैरह भी आप रख सकते हैं आराम से। IRVM ये नॉर्मल वाला मिलता है भाई, नॉर्मल नहीं भाई सॉरी, इलेक्ट्रो वाला मिलता है ये भाई, फॉर्चुनर तक आता है, फॉर्चुनर में भी यही आता है। यहाँ पर ग्लास होल्डर मिल जाता है, सन ग्लास होल्डर। यहाँ पर लाइट सी अपने को हेलोजन मिलती है इसमें भाई, सनरूफ भी मिलता है ये देखो भाई, ये आप मैनुअली कर सकते हैं एडजस्ट। यहाँ पर सनवाइजर्स पर इस साइड मिरर मिलता है भाई, लाइट नहीं मिलती है, इस साइड भी मिरर मिल जाता है ये भाई, इसलिए दे रखा थोड़ा मतलब ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट ना हो भाई ड्राइविंग से, तो भाई ये सेफ्टी के लिए सही है। तो भाई ये देखो गाड़ी का फ्रंट से तो मतलब कुछ था, ये बंद कर लेते हैं अभी तो आप भाई, गाड़ी पीछे बैठ के देखते भाई पीछे कैसी फील आती है। मेरे को तो भाई मस्त लगी भाई गाड़ी एकदम। बंद करिए ना खोल के दोबारा थोड़ी जोर से। भाई ये कुछ इस टाइप का पीछे वाला डोर इसका ड्यूल टोन में। यहाँ पर पावर विंडो का बटन दे रखा है भाई, स्पीकर है। यहाँ पर डोर ओपनर दे रखा है भाई, ये भी सिल्वर फिनिश में मिलता है भाई अपने को, ये सॉफ्ट टच है। यहाँ पर इसमें भाई अपने को 4 ट्वीटर 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाती है ये भाई, कुछ चारों इसके हेडरेस्ट अपने को एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं भाई। अंदर बैठ के देखते हैं भाई, मतलब यार इतनी प्रीमियम, मतलब पीछे बंदा बैठे है ना भाई उसका सिर्फ मतलब गाड़ी पे ही ध्यान रहेगा, फ्रंट पे। यहाँ पर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं भाई, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाता है, ये अभी थोड़ी पन्नी लगी हुई है ना। यहाँ पर पीछे वाली लाइट, ये भी अपने को हेलोजन मिलती है। 3 इसमें अपने को ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये भी मिल जाता है भाई, ये कर्टेंस मिल जाते हैं भाई, ये देखो यहाँ पर हुक भी मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स के साथ भाई। इस वेरियंट में अपने को विंडोज में नहीं मिलेंगे वो कर्टेंस जो होते हैं ना, वो इस वेरिएंट पे नहीं मिलेंगे भाई, वो ऊपर वाले में मिलेंगे। अगर भाई बूट स्पेस देखते भाई, बूट स्पेस कैसा है, तो भाई जैसे मैंने बताया इसमें कैमरा भाई मैं दिखाना भूल गया था, ये जरा यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ये प्रेस करके आप मस्त खोल सकते। 480 लीटर का बूट स्पेस मिलता है भाई, सीडान है ना, सीडान में ज़्यादा ही प्रेफर होता है हमेशा। यहाँ पर इसके टूल्स वगैरह, स्पेयर टायर यहाँ पर मिल जाता है, स्टील रिम भाई, अलॉय व्हील। सही बताऊँ होंडा सिटी एक इकलौती गाड़ी है भाई जिसमें ये मिलता है अलॉय व्हील 5th टायर। ये देख लो भाई, ये जैसे 15 इंच का दे दिया भाई, ये थोड़ी कॉस्ट कटिंग बोल सकते हैं इसे भाई, ठीक है यार सारी कंपनी ये करती है तो भाई ये भी करेंगे। अगर किसी भाई के पास पुरानी वरना और वो ये वीडियो देख रहा भाई, आप कमेंट करके बताना आपको मतलब पुरानी वाली से कंपेयर करते हो तो आपको कैसी लगी भाई। मुझे तो ये वाली एकदम मस्त लगी, मतलब ग्रिल वगैरह चेंज कर दी। तो भाई अगर किसी भाई को ये गाड़ी लेनी है तो वो भाई अपने भिवानी शोरूम में संजीव सर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते भाई, उनका कॉन्टैक्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें आराम से कॉल कर सकते हो भाई। इनके पास स्टॉक भी बहुत रहता है, हो सकता है आपको हैंड टू हैंड भी गाड़ी मिल जाए। तो भाई यही था कुछ गाड़ी का रिव्यू, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, अगर कुछ मिस हो गया तो भाई उसके लिए सॉरी। तो भाई यही थी कुछ गाड़ी का डिटेल रिव्यू, तो भाई चलो भाई इस वीडियो को ही एंड करते हैं, वीडियो देख लेंगे। धन्यवाद अपना, थैंक यू सो मच।